Hi guys, this is Piyush. Welcome back to yet another episode of Inside Out. Today we are going to talk about lower body protection. Now, whenever it comes to lower body protection, I feel it is the most ignored part because हम जैकेट ले लेते हैं, हेलमेट ले लेते हैं, ग्लव ले लेते हैं, बट व्हाट अबाउट योर लोअर बॉडी प्रोटेक्शन? जैसा कि आपने बचपन में भी देखा होगा, जब हम साइकिल्स चलाते थे, सबसे पहले जब हम गिरते थे तो हमारी नी सबसे ज़्यादा इंजर्ड होती थी. सेम कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है जब हम बात करते हैं मोटरसाइकिल राइड करने की. सो वेन एवर देर इज एन फॉल, सबसे ज़्यादा जो प्रोन होती है वो होती है हमारी नीज इंजरी के लिए. सो वेन एवर इट कम्स टू लोअर बॉडी प्रोटेक्शन, देर आर थ्री वे जिससे कि हम अपनी लोअर बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले आते हैं नी गार्ड्स, जो कि कुछ इस तरह के होते हैं. Then comes your riding pants and the denims. So, सबसे पहले बात करते हैं सबसे most popular choice जो कि है knee guards की. Knee guards, जैसे कि आप देख सकते हो, these are the guards जो कि cover करेंगे आपके knees को और जाएंगे आपकी shin तक. ये आपकी knees पे लगते हैं velcro के ज़रिए. So, क्या होता है? This will go over here like this. अब क्या होगा? ये velcro से लगा हुआ है. So, in case of any major impact, हो सकता है अगर direct impact knee पे तो आपका बचा लेगा. लेकिन अगर आपका इम्पैक्ट हिप पे होता है या फिर अब्रेशन होती है, उसमें ये आपको बचा नहीं सकता है क्योंकि ये वेलक्रो लगा है. इन केस ऑफ एनी हैवी अब्रेशन ये फट जाएगा एंड इट कैन गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इस प्लेस. पहली चीज़ तो ये आ गई. नाउ दूसरी चीज़ ये है कि सी दिस इज़ ऑन योर नीज लाइक दिस एंड यू विल बी ग्रैबिंग योर टैंक थ्रू योर नीज, तो ये स्क्रैच डालेगा आपके टैंक पे. थर्ड थिंग, जब आप इसको पहन के चल रहे हो सो ये इट स्लाइड्स डाउन, उसकी वजह से क्या होता है आपकी वॉकेबिलिटी बहुत कम हो जाती है. प्लस व्हेन यू रीच द डेस्टिनेशन इट्स अ हैसल कि आप इसको कैरी करना पड़ता है आपको, क्योंकि आप वॉक नहीं कर पाओगे इसमें. सो इट्स बिकम्स अ लायबिलिटी वंस यू गेट ऑफ योर बाइक. नाउ दीज आर वेरी इकोनॉमिकल प्राइस, सो इट कैन बी अ गुड चॉइस फॉर अ बिगिनर, बट मोस्टली वी फील दैट दिस डोंट प्रोवाइड यू द सफिशिएंट प्रोटेक्शन दैट यू नीड व्हाइल यू आर राइडिंग अ बाइक. Now coming to another option, that is riding pants. Riding pants are something like these which offer you protection on your hips and knees. They have these kind of guards. ये hip का guard है and ये knee का guard है. ये यहाँ पर लगे होते हैं basically. So what happens is, whenever you fall, ये impact को लेते हैं and आपकी जो body part है उस तक impact को जाने नहीं देते हैं. Whenever there is any fall, सबसे पहले आप बजोगे फिर आप घिसड़ोगे. So there will be an impact and the abrasion. To protect you from the impact, these have these armors and to protect you from the abrasion, these offer you special fabrics like polyester हो गया या फिर इस तरह का ripstop material हो गया या फिर corduroy होता है दिया हुआ. तो क्या होता है, these fabrics are highly abrasion resistive. सो कई बार आपने देखा होगा गिरने के बाद आपकी स्किन पे ब्रूजेज आ जाते हैं, तो ये फैब्रिक वो चीज़ नहीं होने देते हैं. सो दिस प्रिवेंट यू फ्रॉम इंपैक्ट एंड अब्रेशन. नाउ जो आपकी राइडिंग पैंट्स होती है वो दो तरह की होती है, एक होगी ऑल वेदर और एक होगी आपकी समर पैंट्स. सो आपकी ऑल वेदर राइडिंग पैंट्स कुछ इस तरह की होती है जिनमें कि इस तरह के लाइनर्स दिए होते हैं. ये आपका थर्मल लाइनर एंड रेन लाइनर है. कुछ पैंट्स ऐसी होंगी जिनमें थर्मल लाइनर अलग दिया होगा एंड आपका रेन लाइनर अलग से दिया होगा. इस पैंट में ये दोनों इंक्लूडेड है. सो While it's raining, you wear it over the pants and ठंड में आप इसको अंदर पहनते हो. Once you remove this, यहाँ पर ये पूरा mesh panels दिए होते हैं. So these are all ventilated. यहाँ से हवा cross होती है. So it becomes a summer pant in that way. लेकिन मैं अगर बात करूँ summer pants की, तो summer pants में इस तरह की कोई भी liners नहीं दिए होते. These pants are just normal riding pants without any liners. बहुत बड़े और बहुत ज़्यादा उसमें mesh panels दिए होते हैं ताकि air breathability को maximum किया जा सके, जिसकी वजह से आप अगर summers में ride कर रहे हो तो आप comfortable रहो. लेकिन What happens is, though these kind of pants have big mesh panels, but again, in maybe air breathability ki restrictions rehti hai as compared to a riding denim. Now, let's talk about the riding denims. Riding denims are these kind of denims, jinme ki outer shell aapka cotton ka diya hota hai, and under inme reinforcement hoti hai abrasion resistive materials ki. Generally, these abrasion resistive materials are Kevlar. And now, aajkal kuch aisi denims bhi aa gayi jinme ki outer shell hi corduroy ka diya hota hai. So, those are more comfortable to wear, yet they don't offer you that much of protection level, jo ki aapko koi bhi Kevlar in reinforced denims degi. Now talking about these denims, ये भी आपको इन राइडिंग पैंट्स की तरह ही हिप में और नीज में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है विद द आर्मर्स एंड अब्रेशन के लिए. एज आई टॉक अर्लियर, इनमें रीइंफोर्स्ड मटेरियल्स होते हैं केवलर या फिर कॉर्डोरा के दिए हुए. नाउ टॉकिंग अबाउट द कंफर्टेबिलिटी और द कंफर्ट लेवल, दिस ऑफर यू द मैक्सिमम कंफर्ट लेवल. एंड अगर इंडियन वेदर्स की बात करें, सो मोस्टली वी आर इन हॉटर कंडीशंस फॉर मेजॉरिटी ऑफ द ईयर. नाउ आपको ऐसे कंडीशंस में बहुत ज़्यादा एयर ब्रीदेबिलिटी की ज़रूरत होती है जो कि ये डेनिम्स प्रोवाइड करती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपकी राइडिंग के हिसाब से आपको किस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, वेदर यू शुड गो फॉर अ नी गार्ड और अ पैंट और अ राइडिंग डेनिम. सबसे पहले बात करते हैं नी गार्ड्स की. एज मेंशनड अर्लियर, नी गार्ड्स डोंट प्रोवाइड यू दैट मच ऑफ प्रोटेक्शन. दिस इज अ बिग नो फ्रॉम आवर साइड. सो एक ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया.
Now coming to the riding pant or the denim, if you are someone who likes to take your bike to the colder region and challenge yourself with those hard cold conditions, then you should go for an all-weather riding pants. Kyunki kya hoga, whenever you will be going to those kind of conditions, aapko wahan pe bahut chill winds milengi and bahut zyada thand hogi. Now these pants come with rain liner and the thermal liner. Thermal liner will be keeping you warm. And जो आपका रेन लाइनर होगा इट विल डबल अप एज अ विंड चीटर ऑल्सो सो यू विल बी प्रोटेक्टेड विद दोज काइंड ऑफ कंडीशंस ओवर देयर बट नाउ द प्रॉब्लम विद दीज काइंड ऑफ पैंट्स इज कि आपको इसमें एयर ब्रीदेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी सो इफ़ यू विल बी राइडिंग टूवर्ड्स एनी हॉटर कंडीशन या फिर आप समर्स में राइड कर रहे हो तो आपको उसमें दिक्कत आने वाली है ऑल वेदर राइडिंग पैंट्स के साथ नाउ कमिंग टू समर पैंट्स उसमें क्या होने वाला है यू विल बी गेटिंग द एयर ब्रीदेबिलिटी बट वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कि आपकी डायनेम्स प्रोवाइड करेगी सो इनकेस यू आर सम वन जिसको कि राइड करना है मेजोरिटी ऑफ द टाइम अपने सिटीज़ में वीकेंड राइड्स करनी है संडे राइड्स करनी है या फिर ब्रेकफास्ट राइड्स करनी है और एल्स यू वुड लाइक टू टेक योर बाइक टू दी हॉटर कंडीशंस या फिर हॉटर रीजन्स देन यू शुड गो फॉर अ राइडिंग डेनिम नाउ डेनिम में क्या होता है एक तो आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे सेकेंड थिंग आपकी एयर ब्रीदेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसकी वजह से क्या होगा यू विल बी एबल टू एंजॉय योर राइड्स एंड आपको डिस्ट्रैक्शंस कम होगी सो नाउ इफ यू आर समवन हु लाइक्स टू टेक योर बाइक टू अ लॉन्गर टूर एंड आप ज़्यादातर लंबी टूरिंग करते हो एंड यू प्रेफर ओनली वेयरिंग अ राइडिंग पैंट व्हाट वी रिकमेंड इज गेट अ पेयर ऑफ राइडिंग डेनिम्स ऑल्सो क्योंकि क्या होता है दिस पैंट्स वोंट ऑफर यू दैट मच ऑफ वॉकेबिलिटी और ये बहुत ज़्यादा बल्कि दिखती है प्लस वेन यू रीच योर डेस्टिनेशन एंड यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर योर लोकल एरियाज वहाँ पर तो आपको वहाँ पर भी प्रोटेक्शन की जरूरत होगी डेनिम्स लाइक दिस बाइक राती वंस ऑफर्स यू मैक्सिमम प्रोटेक्शन बाय इंश्योरिंग द हिप प्रोटेक्शन नी प्रोटेक्शन एंड द एब्रेशन प्रोटेक्शन बाय केवलर रीइंफोर्समेंट्स सो आपका एक तो प्रोटेक्शन पार्ट रहता है यहाँ पे सेकेंड थिंग इज द कम्फर्ट वी आर सो यूज टू वेयरिंग द डेनिम्स इन रेगुलर डेज कि ये उसी तरह से फील होती है दीज आर स्ट्रेचेबल ऑल्सो सो आप कंफर्टेबल रहते हो सो आई होप वी आर एबल टू हेल्प यू आउट फॉर ऑप्टिंग दी right lower body protection for you. Remember, lower body is also as important as your upper body. So if you have any queries regarding the lower body protection or any other kind of riding gears, do let us know in the comment section. Till then, ride hard, ride safe. Cheers!